इस वक्त हम लोग रांची से पतरातू रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पतरातू घाटी से होते हुए पतरातू रोड पकड़कर भारी संख्या में साइकिल और मोटरसाइकिल से ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ साइकिल और मोटरसाइकिल पे चोरी का कोयला बोरों में लदा रहता है और ये कोयला करीब 200 किलो से ज़्यादा रहता है। अभी सच क्या है इसकी पड़ताल हम खुद करेंगे। का ढोने का काम कब से कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 2 साल से। कुछ झूठ का बोलेंगे आपसे? क्यों करना पड़ रहा है? मतलब उधर काम धाम नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम? तो झारखंड राज्य तो आप लोग आदिवासी हैं, आप ही लोग के हित के लिए कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है? लाभ होता है तो फिर मिलेगा तब ना, ये तो बात ना है। सरकार नौकरी नहीं दी इसलिए आप लोग को अवैध कोयला ढोना पड़ रहा है? हाँ, ये तो गैर कानूनी कोयला रोज होते हैं। हाँ तो क्या करेंगे? हाँ, सरकार रोजगार दी होती तो ये सब तो नहीं करते। नहीं करते हैं। एक साइकिल में कितना किलो कोयला लाते हैं? वही 200 केजी 150 केजी जैसा। कितना में बेचते हैं? 1300, 1400, 1500 जैसा मिलता है वहाँ। हर दिन करते हैं? हर दिन नहीं, सप्ताह में 2 रोज 1 रोज। हाँ, सप्ताह में 2 रोज 3 रोज? नहीं 2 रोज 2 रोज 1 रोज। मीटर चलना पड़ता है इसको ढोते हुए? हम लोग वहाँ सारे है अच्छी से बोरोबिंग बस्ती से। हाँ, मतलब वहाँ आपका लारी हाई स्कूल से लेके हाँ इधर है 13 किलोमीटर और यहाँ से अभी आपका हाँ 40 या 45 किलोमीटर होगा इधर। तो कुल मिला के 60-65 किलोमीटर चल रहा? हाँ। सिरकार गड्ढा। कितना कोयला लदा हुआ आपको साइकिल पे? 3 क्विंटल होगा अंदाज। 3 क्विंटल? 3 क्विंटल। हफ्ता में कितना दिन आप लोग धोते हैं? 2 दिन आते हैं। 2 दिन? हाँ। ये बेच के कितना कमा लेते हैं? कितना कमाएंगे, खर्चा उर्चा काट कूट के 1500 रुपये बचेगा। करने का नौबत क्यों आया? काम ही नहीं है, काम मिलता है तो उतना होबे नहीं करता है, जैसे हाजिरी उतना मिलबे नहीं करता है, घर चलेगा। तो सरकार तो कहती है कि हम रोजगार देते हैं। कितना देगा? 300 रुपया हाजिरी मिलेगा, 300 रुपया में आपकी सोच देखिए कैसे हूँ, घर नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा का वही 70 किलोमीटर पार हो जाता है। पेट की आग बुझाने के लिए आप लोग को अवैध कोयला ढोना पड़ रहा है? आखिर मजबूरी है, आदिवासी है मातो ये कोयला, अवैध कोयला ढोने का काम कहाँ कर रहे हैं? क्या करें भाई, रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सरकार नौकरी नहीं दी? कब से कोयला ढोने का काम कर रहे हैं? हम लोग तो झारखंड अलग नहीं हुआ उस टाइम से कर रहे हैं, आज तक रोजगार नहीं मिला। नहीं, नहीं जो कितना किलोमीटर चलना पड़ता है कोयला लेके? हम लोग को 70-75 किलोमीटर चलना पड़ता है। हफ्ता में कितना दिन चलते हैं? सप्ताह में एकाध मरतब आते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है, काम नहीं मिलता है। तो सरकार काम नहीं दी? नहीं, नेता लोग तो बोलता है, मुखिया सरपंच लोग। हाँ। कि बल तो बोलते हैं कि थोड़ा साइन कर दो, कहीं मतलब विकास दीजिए हम लोगों को काम के लिए, काम काज करेंगे, तो काम नहीं देता है, बोलता है जाओ ब्लॉक जाओ। 3 मरतबे 6 मरतबे चले जाते हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा बाबा, कितना दिन से आप अवैध कोयला ढो रहे हैं? ये 16 साल हो गया। 16 साल हो गया? जी हाँ। हफ्ता में कितना दिन चलते हैं? सप्ताह में 1 मरतबे चलते हैं। 1 मरतबे? हाँ। एक कहावत है, हीरा चोर और खीरा चोर। समाज दोनों को अलग अलग नजर से देखता है, यद्यपि कि दोनों ही अपराध हैं। कोयले के अवैध खनन के मामले में एक वर्ग ऐसा है जो कि सत्ता के संरक्षण में लाखों करोड़ों रुपए की चोरी करता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं हजारों लोग जो कि रोज खतरा मोल लेकर के और अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा साइकिल के द्वारा कोयला निकाल करके बाजारों तक पहुंचाते हैं। मैं तो इसे अपराध नहीं कहूंगा, बल्कि ये एक आर्थिक सामाजिक समस्या है जिसका निदान समाज को सरकार को करना चाहिए।
झारखंड में चोरी का कोयला धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जबकि सरकार, मंत्री, नेता, अधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन उनके जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। हम रामगढ़ रांची हाईवे पे हैं, हमने आपको दिखाया कि साइकिल पर चोरी का कोयला, अवैध कोयला गरीब आदमी लाद कर ले जा रहा है, 200-200 किलो, 300-300 किलो चोरी का कोयला जो गरीब आदमी है साइकिल पर लाद के ले जा रहा है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इसको रांची और उसके आसपास के इलाकों में बेचते हैं। जो लोग चोरी का कोयला ले जा रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अपनी भूख मिटाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। 70-80 किलोमीटर चलते हैं और इसको बेचते हैं, महीना में 7-8 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। जितने भी लोगों से हमने बात किया, आपने सुना होगा, सब ने यही कहा लगभग कि 7-8 सौ रुपये में खरीदते हैं और 1400-1500 रुपये में इसको बेचते हैं और इसी तरह अपनी इसको बेचकर खाना खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। जितने भी लोग थे, ये सब गरीब हैं, आदिवासी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार ने हम लोगों को रोज़गार नहीं दिया, हम पर ध्यान नहीं दिया, इस कारण हम लोग यह काम करने को मजबूर हैं। बता दें, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और रांची के आसपास में चोरी का जो कोयला है इसको बेचते हैं। ये लोग इसको 600-700 रुपये में खरीदते हैं और 1400-1500 में इसको बेचते हैं। अधिकतर ने कहा कि हम 70-80 किलोमीटर चलते हैं हफ्ते में 2 दिन। बता दें, सरकार ने रोज़गार का वादा किया था लेकिन रोज़गार दिया नहीं, इसलिए अब अवैध तरीके से अपने रोटी का इंतजाम करने के लिए गरीब आदमी यहाँ पर मजबूर है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP News, रांची।